बस बच्चों जल्दी से लोगी ना, जो हम लोग भी कंप्लीट करें आज के इस सेशन को, भी एंड करें अपने चैप्टर को। और कोई भी लॉगिन नहीं आ रहा, जल्दी से आ जाएं बच्चों। हम जब डेटा एक्सट्रैक्शन लेवल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे तीन लेवल्स आते हैं। एक एक्सटर्नल मॉडल लेवल आता है हमारे पास, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल आता है, और एक हमारे पास इंटरनल मॉडल आता है। ठीक है, फिजिकल को हम लोग इसके बाद डिफाइन करेंगे, लेकिन हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी है? हमारे पास एक्सटर्नल है, हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है, हमारे पास इंटरनल है। एक्सटर्नल हमारे पास मॉडल क्या होता है? ठीक है, हमारे पास एक लेवल्स कह लो, हम यहाँ पे इसको लेयर्स डिफाइन कर लें। ठीक है, कि ये हमारे पास एक अलग लेयर है। ठीक है, ये हमारे पास एक अलग लेयर है, ये हमारे पास एक अलग लेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटर्नल मॉडल आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल आ रहा है, देन हमारे पास इंटरनल आ रहा है, देन हमारे पास फिजिकल आ रहा है। जब हम लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक अलग, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक लाइन सी लगी हुई है, इसके ऊपर हमारे पास एक अलग लेयर है, इसके बीच में एक अलग लेयर है, एक इसके बीच में अलग लेयर है। हम लोग इसको लेयर्स में क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? ताकि हम लोग जो है यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट शो कर सके। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट है हमारे पास एक लेयर दूसरी लेयर से। चीज क्लियर हुई है यहाँ पे? अगर हम लोगों को कोई बड़ा मॉडल यूज करना होता है, जहाँ पे हम लोग जो है ये कह सके कि हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज करते हुए, मल्टीपल टूल्स को यूज करते हुए हम इन्हें एक मॉडल क्रिएट किया है, तो हम क्या करते हैं वहां पे? हम लोग अपने लेवल्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इंटरनल लेवल एक अलग है, कॉन्सेप्चुअल एक्सटर्नल हमारे पास एक अलग है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल मॉडल जो हमारे पास किस में आ रहे हैं? कॉन्सेप्चुअल मॉडल में आ रहे हैं। फिजिकल मॉडल हमारे पास एक अलग है। ठीक है, तो इसकी बेसिक बेस पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सारी जो लेयर्स है हमारी, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट हो रही है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, एक क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है? यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्चुअल की बात करते हैं, इसके बीच में हमारे पास आती है एक लॉजिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे, यानी कि एक लॉजिकल व्यू आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम जो है एक लॉजिकली चीज देख रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? लॉजिकली इंडिपेंडेंट है। जहाँ हम फिजिकल की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? फिजिकली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जब हम बात करें यहाँ पे एक्सटर्नल की, तो हम एक्सटर्नल में क्या चीज कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग एंड यूजर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम अपने सिस्टम को जो है वो देख रहे होते हैं कि हमारा जो कितना जो है एफिशिएंट है, कितना इजी टू यूज है, कितना सिंपल है। ठीक है, ये एप्लीकेशन कितनी सिंपल है फॉर एंड यूजर्स। ठीक है, जो एक एक्सटर्नल व्यू उसको नजर आ रहा है, वो कितना इजी टू यूज है। ठीक है, वो कितना सिक्योर है, हम यहाँ पे इन चीजों को देख रही होती है। क्लियर है ये चीज? जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल की, एक्सटर्नल में हमारे पास क्या चीज हो रही होती है? हमें एक्सटर्नल पे हम लोग डायरेक्ट टेबल्स को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिलेशंस को देख रहे हैं। ये हमारे पास आपको एक्सटर्नल मॉडल का, हम लोगों के पास एक टाइनी कॉलेज, वो जो है टाइनी कॉलेज का एक, फॉर एग्जाम्पल डीएचएस सोफा यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, एक क्लास हमारे पास जो है क्या है? स्केजलिंग है। ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या करें, एक हम लोग एक्सटर्नल मॉडल को हम लोग जो है किस में कन्वर्ट करें? एक कॉलेज लेवल पे कह लो, हम लोग बीएचएस ऑफ यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के पास हमारे पास क्या है? कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास जो है इनरोल हुए हुए हैं? ठीक है, कौन सी वो क्लास ले रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्लास जो है किस कोर्स की है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करें यहाँ पे, एक रिलेशन शो करें यहाँ पे।
जहां हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल की, तो ये हमारे पास क्या करे, ग्लोबल व्यू करे इंटायर डेटाबेस की, ठीक है। जो हमारे पास जितने भी एक्सटर्नल हमारे पास डेटाबेस था, ठीक है, वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, किसमें, सिंगल, जो हमारे पास एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटायर व्यू को, ठीक है, ग्लोबल व्यू को हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअली स्कीमास को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, ईआर मॉडल्स बना रहे थे, हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स दिखाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है उसके बीच में एंटिटी के बीच में जो है क्या करें, एक रिलेशनशिप को शो करें, ठीक है। ईआरडी हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी हमारे पास डायग्राम बनी हुई है कि हमारे पास स्टूडेंट था, हमारे पास वो इनरोल था, ठीक है। हम लोगों ने जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे हम लोग हर किसी को जो है एक अलग अलग शो कर रहे हैं, ठीक है, अपने मॉडल को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ईआरडी क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग उसके बीच में जो हम लोग एंटिटीज क्रिएट की थी, जो हमारे पास एंड यूजर्स थे, उनकी जो वो हमारे पास एक एंटिटी थी, उसके बीच में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रिलेशनशिप क्रिएट किया, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात बच्चों, कि हमारे पास स्टूडेंट था, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ये वन की इसको शो कर रहा है, ठीक है। इनरोल है किसमें, क्लास कितने ले रहे हैं, ठीक है। क्लास के बाद जो है वो किस रूम में, किस रूम को वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो कितने कोर्सेज को वो, कितने कोर्सेज उन्होंने लिए हुए, ठीक है। कौन सा प्रोफेसर है जो इनको टीच कर रहा है, ठीक है, कौन सी प्रोफेसर है इनके, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या बन रहा है, जहाँ हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, हम इंटरनल इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ईआर डायग्राम्स को क्रिएट करें कॉन्सेप्चुअल मॉडल में, ठीक है। जब हम जा रहे हैं इसके आगे इंटरनल मॉडल्स में, ठीक है, तो इंटरनल मॉडल्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इंटरनल स्कीमास को बना रहे होते हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी मॉडल के इंटरनल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये डेटाबेस के सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बना रहे थे, हम लोग यहाँ पे जो टेबल्स होते हैं वो हम लोग ऑन पेपर बना रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग लॉजिकल इंडिपेंडेंस को शो कर रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग एक मॉडल में, वो मैंने कहा था ना कि हमारे पास जब हम यहाँ पे लेयर्स क्रिएट करते हैं, तो इस लेयर्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास हमने एक ये लेयर क्रिएट कर दी, हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बाद हम लोगों ने जब ये वाली लेयर क्रिएट की है, ठीक है, इस लेयर का मतलब क्या है कि इससे इंडिपेंडेंट है और इससे इंडिपेंडेंट है। जो भी चेंजिंग हमारी इधर होंगी वो इसके ऊपर इस चेंजिंग्स नहीं लेकर आएंगे, जो इसमें चेंजिंग होंगी वो भी इसको अफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये हम लोग यहाँ पे यही बात करेंगे, हमारे पास ये जो मॉडल्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब हम इंटरनल मॉडल की बात करते हैं, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल होगा उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम टेबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटरनल मॉडल्स में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया होता है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। बेटा कैसे पैरेलल क्लासेस हो सकती है इनाम, बेटा किसी का क्लैश हो रहा है आज की क्लास के साथ भी है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम की, हाँ मेरे साथ पैरेलल चल रही है क्लास। तो इनाम बेटा आप दोनों में इनरोल्ड हैं क्या? आप सबकी नहीं है लेकिन इनाम मेरे ख्याल से दोनों में, उन्होंने अभी वर्क किया है मुझे मैसेज कि मिस पैरेलल जो है वो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास चल रही है। तो आप लोगों की पैरेलल है मेरे साथ, नहीं ना बेटा नहीं है, बल्कि मैं गलत देख रही हूँ शायद। कैसी चल रही है इनाम? इनाम लॉगिन नहीं आया अभी तक। ऑपरेटिंग सिस्टम की 12:30 पे नहीं आप लोगों की क्लास? हाँ ना, टाइम टेबल अभी मैंने खोला, ये मुझे नाम क्यों कह रहे हैं ये बात, टाइम टेबल मेरे सामने ही आके बेटा, अभी कोई आप लोगों की क्लास नहीं है सॉरी मेरी क्लास के।
यस मैम, ठीक है। तो हम लोग जब इंटरनल मॉडल्स की बात करते हैं, इंटरनल मॉडल्स में हमारे पास क्या होता है कि जो हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल में हम लोगों ने जो हमारे पास एक एक्सटर्नल मॉडल था, एक्सटर्नल मॉडल में हमने क्या किया था, अपने एंटिटीज को डिफाइन किया था, ठीक है, अपने एंड यूजर को डिफाइन किया था। एंड देन हम लोगों ने जब क्या किया, उसके बाद जब कॉन्सेप्चुअल में आए तो हमने एंटिटी टू एंटिटी हम लोगों ने वहां पे रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, ठीक है। वहां पे हमने ERD बना दी, ER डायग्राम बना दी, ठीक है। अब जो हमारे पास इंटरनल मॉडल आया, तो इंटरनल मॉडल में हमने क्या किया कि उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेबल्स में। हमने वहां पे प्रोफेसर का टेबल, जैसे हमारे पास ये एक एंटिटी है प्रोफेसर, हमने प्रोफेसर का टेबल क्रिएट कर दिया, उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास नंबर में होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे इसके डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, उसके हम लोग लिमिट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसके अंदर कंस्टेंट लगा रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, प्राइमरी क्या है, फॉरेन की है, क्या चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोगों ने इसमें डिफाइन कर दी। इसी तरह से हम लोगों ने इसके इक्वल जो है क्लास के इक्वल जो है हम लोगों ने क्लास क्रिएट की, क्लास आईडी कर दी, ठीक है। हम लोगों ने उसकी बाकी जो है, जो भी इसमें हमारे पास बाकी थी वो है इसके एट्रीब्यूट है, उन सबको डिफाइन कर दी। उन सबको हम लोगों ने जो है एक डिफाइन कर दिया, हम लोगों ने डेटा मॉडल वगैरह इस तरह से, वो डेटा टाइप वगैरह हम लोगों ने इसमें डिफाइन कर दी, ठीक है। तो हम लोगों ने इंटरनल मॉडल में क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो कंसेप्चुअल मॉडल था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इनटू टेबल्स, ठीक है। जहाँ हम बात करते हैं फिजिकल लेवल की, हमारे पास सबसे लोएस्ट लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का, जहाँ पे हम लोग फिजिकली चीजों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम स्टोरेज की डिवाइसेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे डिस्क यूज कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं कि फिजिकली भी ये लोग क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई स्टोरेज डिवाइस चेंज किया है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी मीडिया है हमारे पास स्टोरेज उसको चेंज किया है, तो वो ये हमारे पास बाकी इन लेयर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अगर कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है तो वो हमारे पास यहाँ पे जो इसके टेबल्स क्रिएट हुए इंटरनल मॉडल्स के, उनको वो अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हमने इंटरनल मॉडल्स में हम लोगों ने कोई डेटा टाइप चेंज कर दी, कुछ चेंज कर दिया, तो इसके इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा, वो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इस ER डायग्राम में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, अब इसलिए ये एक इससे इंडिपेंडेंट है। अब फिजिकल डिवाइसेस की बात की जाए, फिजिकल मॉडल की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें स्टोरेज डिवाइस को चेंज कर दिया, अपनी मेरे एक स्टोरेज डिवाइस थी का उसको कन्वर्ट करके मैंने अपनी जो है कोई और इसकी टाइप को यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि पहले ये सारा जितना मेरे पास ये स्ट्रक्चर था, मैं इसको जो है इम्पोर्ट को वो एक्सपोर्ट करूंगी, एक जगह सेव करूंगी, अपनी मैं फिजिकल डिवाइस को चेंज करूंगी, वापिस इम्पोर्ट करूंगी, तो इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसकी चेंजिंग से। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों के पास डिफरेंट लेवल्स जो हम लोगों ने इसको क्रिएट किया हुआ है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये लेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कि अगर हम लोगों ने कोई भी, हमने यहाँ पे जो ERD बनाई थी, वो हमने जो भी बनाई थी, जिस फॉर्मेट में बनाई थी, अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद, ठीक है, तो उसके अंदर हमने कोई चेंजिंग की, तो इन दोनों पे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं इंटरनल मॉडल के टेबल्स में कोई चेंजिंग करती हूँ, मैंने जो भी मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एंटिटी थी, ठीक है, उसके मैंने डेटा मॉडल को चेंज कर दिया, मैंने उसकी प्राइमरी की चेंज कर दी, तो उसका कोई भी अफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारे पास तीनों लेयर्स जो है एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहीं पे हमारे पास एक इंटरनल मॉडल्स हो गया, फिजिकल मॉडल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास देन इस पूरे चैप्टर की समरी, यहाँ पे हमारे पास जो है ये चैप्टर एंड हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नो मैम। मैं आप लोगों का अटेंडेंस नोट सेशन एंड करूँ, मैं कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना, अदरवाइज सेशन एंड करते हैं। और इसके बाद अगर किसी को अटेंडेंस का इशू है आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के अटेंडेंस लगा दूंगी, ठीक है। और शाही प्रेजेंट है ना, मैम अब्दुल वासिफ। एक सेकंड बेटा, मैं
आप लोगों के नेम सामने शो हो रहे हैं, मैं उन्हीं को देख देख के लगा रही हूँ। मैम अब्दुल वास है। अब्दुल वास बेटा आपका हमजा कुरैशी नाम क्यों लिखा रहा है? जी आपका नाम हमजा कुरैशी क्यों लिखा रहा है? ये मैम रीनेम कर रहा हूँ, ये गलती से आ रहा है। ऐसी गलती कैसे होगी बेटा? मोहम्मद तला खान प्रेजेंट। बेटा तला आपके लगा दी ना मैंने ये। आप चेक करिएगा। वो तो मैंने चेक कर लिया बेटा, लेकिन आपका लॉगिन के टाइम पे नाम क्यों चेंज था? मैं पहले वाला सेशन में मैम मैंने लिया था, जो 9:30 से मैं इस पे ही था जूम पे। 9:30 से आप जूम पे होते तो मैं तो अटेंडेंस साथ के साथ लगा रही हूँ। आपकी लगी हुई है पहले पे, आई थिंक दूसरी नहीं है, बल्कि अभी की है मैं देख रही हूँ ना। सेवन प्रेजेंट। हाँ कला बेटा आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे ना अटेंडेंस का, कौन कह रहा था मुझे? आप कह रहे थे ना ये फर्स्ट क्लास में जो 16 अगस्त वाली है ना मैम, 9:32 आज की, इसमें मैंने लगा दी थी आपकी आई थिंक, क्योंकि एक सेकंड हाँ लगी हुई है ना। मुझे एक दफा शो हुए हैं क्या, आप लॉगिन आए हैं? अब मुझे नहीं पता आप आए कि नहीं आए, क्योंकि मुझे एक दफा आप शो हुए थे जैसे। चलें, किसी और को तो कोई इशू नहीं है ना अटेंडेंस का? कला बेटा आपके यहाँ पे पता है अटेंडेंस क्यों नहीं लग सकती? या आप मुझसे एक दफा कह रहे थे ना कि मैं इंट्रोल डेट हुआ तो मेरी इसकी लगा दें, या आपकी शो भी नहीं होगी? अच्छा अच्छा ठीक है मैम, क्योंकि मेरे पास कुछ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई थी मेरी। हाँ यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, आप क्लास में ही नहीं थे, तो अगर मैं इसकी नहीं भी लगाती ना यहाँ पे आपको प्रेजेंट या एब्सेंट, देखिए आपका कुछ भी नहीं आ रहा ना प्रेजेंट एब्सेंट। अगर आप देखिए आपकी 6 क्लासों में जो आपने लास्ट वीक लिया और इस वीक लिया ठीक है, तो उसमें 6 में से काउंट होगी और सिर्फ 6 की परसेंटेज आएगी ठीक है, तो आप इसमें इश्यू नहीं करेंगे, इसमें आपका इश्यू नहीं होगा ठीक है। लेकिन ये कि आप प्लीज रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि कमिंग मंडे जो है कमिंग फ्राइडे आप लोगों का क्विज होगा इन्हीं दोनों चैप्टर में से, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में से आपका क्विज है ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम सेशन एंड करें अपना। मैम आपने मेरी लगा दी थी फर्स्ट क्लास में, अच्छा बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अच्छा लास्ट क्लास कौन सी बेटा, इस पर से बताएं। मंडे आज की, लगी हुई है और इसे प्रीवियस भी, इसके बाद वाली भी। अच्छा बेटा किसकी बात कर रहे हैं, आज ही की बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास नहीं, नहीं आज की नहीं, फर्स्ट क्लास जो थी। एक सेकंड मैं लगा देती हूँ इसमें। मैंने आप लोगों की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अपलोड कर दी, आप लोग देख लीजिएगा एक दफा ठीक है। हाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सही बोल रही हूँ मैं, किसी को ना समझ में आए तो मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी उसको डिफाइन किया हुआ है, मैंने कैसे उसके ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं ठीक है। मैंने एडवांस में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसके बाद आप लोगों के मार्क्स खुद ब खुद वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। बस ठीक है, क्लियर है सबका?
बस मैं भी आप लोगों के लेक्चर अपलोड कर रही हूँ आज का भी, ठीक है? मैंने बुक अपलोड कर दी है, आप लोगों ने बुक से रीडिंग करनी है चैप्टर की, क्योंकि थ्योरेटिकल होगा आपका क्विज, ठीक है? तो आप लोग बुक को रीड कर लीजिएगा, बाय। मैंने आपके फर्स्ट सेशन में सारी चीजें अपलोड कर दी है। मैं अभी देखती हूँ मेरे इस लैपटॉप में ये वाली है बुक या नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक बुक है मेरे पास बहुत इजी वर्डिंग में, और हार्डली वो आप लोगों को 1 से 2 दिन लगेंगे उसे रीड करने में, ठीक है? तो आप उसे देख लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग फ्राइडे वाले दिन उसी बुक को एक दफा डिटेल देख लेंगे। अगर उसको आप लोगों ने रीड आउट कर लिया तो आपके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है ना डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे उस बुक के थ्रू। मैं अभी देखती हूँ, अगर मेरे इस लैपटॉप में है तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी वो बुक यहाँ पे, अदरवाइज जो है मैं मंडे वाले दिन घर हम लोग जाएंगे शाम में घर जाएंगे, और वैसे ही हमारे पास जो है वेडनेसडे थर्सडे ऑफ आ रहा है, तो वेडनेसडे थर्सडे के ऑफ में मैं वो अपलोड कर दूंगी बुक, ठीक है? और अगर आप लोग कहते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हम लोग जो है उस बुक को एक दफा डिटेल डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, या फिर आप लोगों को मैं होम असाइनमेंट दे देती हूँ इसका, कि आप लोग उस बुक को खुद रीड आउट करें। ये आइडिया अच्छा है, मैंने से इसके लिए हम एक क्लास उसके ऊपर लगाएं, ठीक है? आप लोग उस बुक का रीड आउट कीजिएगा, फिर उसी बुक से आप लोगों का मैं एक छोटा सा क्विज़ रख लूंगी या कोई एक असाइनमेंट रख लूंगी जो आप लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है बच्चों? मैम फ्राइडे को क्विज होगा? जी बेटा, फ्राइडे को इन दोनों चैप्टर से क्विज होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से, जितना हम लोगों ने आज के दिन तक पढ़ा है ना। यस मैम, तो इन दोनों में से क्विज होगा। मैं यहाँ पे नीचे क्विज लिख भी दूंगी, अभी मैं आपका क्विज ही बना रही हूँ, उसके बाद क्विज का सेशन। तो उसमें साहिल बेटा कह रहे हैं सही, और कोई है किसी का क्वेश्चन? क्लास के ग्रुप में अनाउंस भी करते हैं कोई, मैं ये अनाउंस कर देती हूँ, मैं ना कर सकती तो आप लोगों में से कोई अनाउंस कर दे के पहले 2 चैप्टर में से क्विज है। और क्लास फ्राइडे को मैम क्लास के एंड में होगा ना? जी बेटा एंड में होगा, एंड में पहले क्लास होगी, चैप्टर 3 हम लोग उसमें कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। और कोई बात, और कोई क्वेश्चन? बार बार बता रही हूँ, क्विज के लिए बुक को रीड आउट कीजिएगा, बुक मैंने आपकी अपलोड कर दी है, ठीक है? चैप्टर स्लाइड्स भी देख लीजिएगा, बुक को डिटेल से देखिएगा। एंड करें सेशन अपना, अल्लाह हाफिज़।